दोस्तों, आज हम जानेंगे आइसक्रीम की खोज कब और कैसे हुई। जिस आइसक्रीम को आप सर्दी या गर्मी किसी भी मौसम में मजे से खाते हैं, क्या आपको पता है वह कब और कैसे बनी? कुछ लोगों का मानना है कि सबसे पहले आइसक्रीम पर्सिया या रोम में बनी थी। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो अपनी चीन यात्रा के बाद वहां से शरबत वाली बर्फ का एक नुस्खा अपने साथ लाए थे। प्राचीन काल में लोग शरबत में बर्फ मिला देते थे। इसके बाद तापमान को कम करने के लिए इसमें नमक डाला जाता था। भारत में तो लोग सदियों से कुल्फी बनाया करते थे। बाद में यूरोप के लोग इसमें तरह तरह के जायके मिलाकर खाने लगे थे। सन 1744 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार आइसक्रीम शब्द प्रकाशित हुआ। 18वीं शताब्दी के आते आते आम लोगों के बीच भी आइसक्रीम लोकप्रिय हो गया। सन 1851 में चार्लो गैटी ने चेयरिंग क्रॉस स्टेशन के बाहर पहला आइसक्रीम स्टैंड लगाया था। इसके बाद आइसक्रीम का निर्यात नॉर्वे और वेलिंगटन जैसी जगहों पर भी होने लग गया, परंतु अब तक आइसक्रीम काफ़ी महंगी होती थी। एग्नेस मार्शल ने आइसक्रीम को जमाने के लिए तरल नाइट्रोजन के इस्तेमाल का सुझाव दिया। इसके बाद से आइसक्रीम को जमाना काफ़ी सस्ता और सुगम हो गया। 31 फ्लेवर्स के साथ बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम का उत्पादन करने वाली पहली संस्था थी। अब तो यह कंपनी दुनिया भर में 1000 से भी ज़्यादा तरह की आइसक्रीम का उत्पादन करती है। तो दोस्तों, इस तरह से आइसक्रीम की खोज हुई।